हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्ड जी। सो मैं लेके आया हूँ आज टोयोटा हाइलक्स के इवेंट में। जो भी ऑफ रोडिंग के शौकीन लोग हैं, जिनके पास थार है, 4x4 कार्स है, ये जो वीडियो है पूरा देखिए। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये है हाइलक्स, रखी है हमारे सामने तीन, वहाँ पे काफ़ी काउंटर्स हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे रखा है एक डिस्प्ले व्हीकल जो कि 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट के जो अपर्चर एंगल है वो दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा एंगल यहाँ पे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रैली। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो ये बूट कैंप है वहाँ पे 8 हर्डल्स हैं। तो 8 हर्डल्स का यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया है। एक्सेल ट्विस्टर यहाँ पे मिलेगा, बिग मैनुअल यहाँ पे मिलेगा, और जो 8 आपको जो राउंड एंड राउंड है जो लास्ट हर्डल है वो भी आपको मिलेगा। ये पूरा रूट है दोस्तों, ये देखिए पहले पूरा हिल पे बनाया हुआ रूट है। रॉकी पैच पहला हर्डल है जो टोयोटा हाइलक्स के 4x4 वेरियंट में 4x4 को डिफाइन करता है कि कितना ईजिली आप उस रॉकी पैचेस में आप अपना कार डाल सकते हैं। और आपको जस्ट ओनली 4x4 H4 में शिफ्ट करना है कार, और ईजिली कार आपका वहाँ से रॉकी पैचेस से निकल जाएगा। आपको एक्सेलरेट नहीं करना है दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा फीचर है। आप जनरली दूसरे कोई गाड़ी में ये अगर ट्राई करेंगे, अगर मैं अंदर बैठा था तो रॉकी पैचेस में जब आप जाएंगे तो सस्पेंशन भी बाय डिफॉल्ट काफ़ी अच्छा ऑपरेट होता है। आपको अंदर इतना मूवमेंट फील नहीं होगा जो अदर कार्स में। अगर हम लोग सस्पेंशन का क्वालिटी देखते हैं कंपैरेटिवली हाइलक्स 4x4, इतना बड़ा कार होने के बाद, हाउ ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा होने के बाद भी इसके पिच एंड बाउंस कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो दूसरा हम लोग अभी हर्डल देखेंगे। तो दूसरा हर्डल है हमारा जो हिल क्लाइंब है, हिल असेंट कंट्रोल एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, ये दोनों DAC या HAC आपको यहाँ पे ऑपरेट होगा। हिल असिस्ट कंट्रोल जनरली 3 सेकेंड तक ऑपरेट होता है, और जो हिल डिसेंट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक आप जब रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखते हैं हम हिल डिसेंट कंट्रोल कैसे काम करता है। ये देखिए हिल पे कार रुका है, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए आपको कार नीचे आ रहा है। हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए आपको ब्रेक प्रेस नहीं करना है। जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगे, बट वो हिल डिसेंट कंट्रोल वही काम करता है। आपको ब्रेक भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, ईजिली कार निकल जाएगा। जब हम कार के इस फीचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो जब आप अंदर बैठते हैं कार के, तो ये देखिए काफ़ी डर लगता है आपको कि पूरा कार कहीं पलट ना जाए और पूरा कार गिर ना जाए। बट हाइलक्स ऐसा व्हीकल है जिसने इस DAC जो फीचर है उसको काफ़ी ईजिली ऑपरेट किया है, और कॉन्फिडेंटली आप ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा एक और एक्सल ट्विस्टर, इस फीचर में आपको जनरली L4 जो लो 4x4 है उसमें ऑपरेट करना है एक्सल ट्विस्टर में। और आपका जो डिफरेंशियल लॉक है वो आपको इसमें एक्टिवेट होगा, और उसी के साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी आपको इसमें एक्टिवेट करना है। डिफरेंशियल लॉक से जो टायर हवा में है, ये देखिए लेफ्ट साइड रियर व्हील हवा में है तो वो स्पिन नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्राउंड पे टायर है उसको वो पावर दे देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जो टोयोटा हाइलक्स में आपको मिलता है। और नो डाउट अपर्चर एंड डिपार्चर एंगल भी काफ़ी ऊंचा होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस फॉर्चूनर से भी काफ़ी अच्छा है। रीज़न इज़ योर अपर्चर एंड डिपार्चर एंगल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको टोयोटा हाइलक्स में मिलता है। और एक और आपको इसकी खासियत ये है कि आप जब इसको 30 डिग्री, ये तीसरा हर्डल है हमारा जो 30 डिग्री, जब आप इंक्लाइन में जाते हैं तो बेसिकली आपको ये लगेगा कि मैं पूरा गाड़ी पलट ना जाए। हमने 45 डिग्री पे भी ट्राई किया है, बट फॉर द सेफ्टी रीजंस वी कैन डू ऑन 30 डिग्री। तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है, जब आप ऑफ रोडिंग को जाते हैं तो ये टोयोटा हाइलक्स में आपको देखने को मिलता है। और चिकन होल्स यहाँ पे एक है जहाँ अनइवन रोड जब आप ऑफ रोडिंग में जाते हैं, यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स है, तो ये सस्पेंशन की क्वालिटी को आपको चेक करने के लिए वुडन ब्लॉक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज सेकेंड लास्ट फीचर जो है हमारा वाटर वेडिंग कैपेसिटी, 700 mm का वाटर वेडिंग कैपेसिटी। पूरा कार हम पानी के अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर डालने के बाद ये जनरली हमने टेस्ट किया है 600-700 mm। नो डाउट ये बहुत अच्छा फीचर है जो टोयोटा हाइलक्स का। ये देखिए मैंने मिरर में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो व्हील है, व्हील के आधा व्हील और जो फुट स्टेप है उसके ऊपर पानी चला गया है। और जब पानी अब निकल रही है कार, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी ईजीली हिल डिसेंट भी काम करेगा, हिल होल्ड भी काम करेगा। ये आपको जब ऊपर आएंगे तो ईजीली ये कार वहाँ से निकल जाता है। ये भी बहुत अमेजिंग फीचर है जो टोयोटा हाइलक्स में आपको देखने को मिलता है। और हमारा ये लास्ट एक जो हर्डल है, दैट इज़ 8। हमें पूरे ड्रिफ्टिंग को टाइम मिलता है,
ड्रिफ्ट करने के लिए हमें 4x2 में शिफ्ट करना है। अगेन 4x2 के जब आप शिफ्ट करेंगे देन हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ करना है, तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी अच्छे से ड्रिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं। जो काफ़ी क्रेजी जो ऑफरोडर्स हैं वो ये फीचर ट्राई करते हैं, और स्पेशली टोयोटा हाइलक्स में ये फीचर आपको और भी ड्राइविंग के प्लेजर को और भी बढ़ा देगा और एडवेंचर ड्राइव आपको ये देगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो टोयोटा हाइलक्स में जो फीचर्स दिए हैं ऑफरोडिंग कंपेरेटिवली अदर कार्स, इसमें आप प्रैक्टिकली वो फीचर यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा 4x4 यूज़ कर रहे हैं, बट कई बार हम सोचते रहेंगे कि मैं ये फ़ीचर यूज़ करूँ नहीं करूँ, कार के सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं, बट यहाँ पे टोयोटा हाइलक्स सारे सेफ्टी पैरामीटर्स को बीट करता है। अदर ब्रांड एंड कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी अच्छा फीचर टोयोटा इसमें दिया है, और स्पेशली टोयोटा हाइलक्स इज़ योर 4x4 इंडिया में अभी लॉन्च हो गया है, तो काफ़ी अच्छा व्हीकल है, काफ़ी अच्छा सजेशन आपको मैं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कोई आपका क्वेरी है अबाउट टोयोटा हाइलक्स एंड आपको ड्राइव करना है इस टोयोटा हाइलक्स को, तो आप नियरेस्ट टोयोटा डीलर में आपको टोयोटा हाइलक्स मिल जाएगा ड्राइव करने के लिए 700 का आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।